में कितने लीटर है एक बार दिखाना हटा के। 70 लीटर। 70 लीटर का तो इसका टैंक होता है। ये 70 लीटर का टैंक है। आप कह रहे हो कि गाड़ी में डीजल, मैं 100 किलोमीटर गाड़ी चल सकती है, या तो आपका फिर मीटर खराब होगा। अभी शाम भैया आए क्योंकि गाड़ी में एक छोटा सा इश्यू फेस कर रहे हैं। ऑफिस जा रही हो? ऑफिस जा रही हो? मेरा पार्सल लाने तुम्हारे ऑफिस जाने का एक के मकसद है बदला। हाँ, ये खुद ही बंद हो जाता है, ऑटोमेटिक है ना? तो टैप ऑटोमेटिक लेता है। बज रहे हैं सुबह के 9:30। आज क्या है? आज चावल बनाए, तुमने कल खाए नहीं ना? तो कल वाले दे दिए? नहीं, दोबारा बनाए हैं सुबह। तेरे को सबसे पहले उठना होता है। चल। तो कोई अननोन कुरियर आया, मैंने घर पे वैसे तो कुछ मंगाया नहीं था। डिलीवरी कोड मोटी तो कितना चोगी ले? सर, अब अपने सारे डॉक्यूमेंट्स निकाल लें, बिकॉज सारे डॉक्यूमेंट्स का ना मेरे को जेरोक्स लेना है। एंड अभी एक नया रूल पता चला है, जहाँ पे ये मेरा पासपोर्ट, ये मेरा आधार। सो आधार अपना ये रहा, और अब इसका भी जेरोक्स कैरी करना है, प्लस इसको लैमिनेट कराना है। अब आधार का यूज़ होता नहीं है तो मैंने इसको ऐसे ही रखा हुआ था, अब इसको लैमिनेट कराना है, प्लस ड्राइविंग लाइसेंस, प्लस RC कॉपी। चल स्कूबी, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में। तो भाई इंश्योरेंस वगैरह के पेपर, इसको फोन मत कर लेना। तो जी, मैंने जो आपको 4 डॉक्यूमेंट्स बताए, RC, ड्राइविंग लाइसेंस, पॉल्यूशन एंड इंश्योरेंस, इन चारों डॉक्यूमेंट्स का जेरोक्स रखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अभी ना रास्ते में बहुत जगह टेस्ट होंगे, बहुत जगह हमें आ रहा RT-PCR टेस्ट होगा, बहुत जगह कोविड टेस्ट होगा, वो वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट और बाकी सारी चीजें मांगेंगे, तो इनका जेरोक्स कराना बहुत बहुत जरूरी है। प्लस अगर बात हो रही है इंश्योरेंस की, तो यार इंश्योरेंस एक ऐसा डॉक्यूमेंट है ना जो अब बहुत लोग निग्लेक्ट कर देते कि यार चलना इंश्योरेंस नहीं है तो क्या हुआ। बट इंश्योरेंस निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज अनफॉर्चुनेट सिचुएशन में अगर आपकी गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है तो रिपेयर कॉस्ट बहुत बहुत ज्यादा आता है, और उस केस में इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम देने में और आपके रिपेयर कॉस्ट को बेयर करने में हेल्प करती है। और भाई जब इंश्योरेंस की बात हो रही है ना, तो आई रेकमेंड पॉलिसी बाजार, क्योंकि पॉलिसी बाजार पे ना आपको 15 से ज्यादा मोटर इंश्योरेंस कंपनी के ऑप्शन मिल जाते हैं। एंड इसमें सबसे बड़ी बात है ट्रांसपेरेंसी, बिकॉज आप हर एक इंश्योरेंस कंपनी के क्या क्या ऑफरिंग्स है वो एक विंडो पे चेक कर सकते हो, प्लस अपना प्राइसिंग चेक कर सकते हो कि कौन सी कंपनी आपको क्या ऑप्शन दे रही है और उसके लिए प्राइसिंग क्या है। तो वो एक विंडो पे मिलने से ना आपको कंपैरिजन में बहुत आसानी होती है। और अगर आपको वहां पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ टेक्निकल है, तो उनके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से इमीडिएटली चैट कर सकते हो, वो वहां पे आपकी हेल्प करेंगे, आपके क्वेरीज को रिजॉल्व करेंगे। क्योंकि यहां पे आप पॉलिसी ऑनलाइन लेते हो तो जो आपको ऑफलाइन मार्केट से एजेंट का कमीशन है ना वो नहीं लगता, और आपको पॉलिसी ऑफलाइन मार्केट के कंपैरिजन में सस्ती पड़ती है। एंड नॉट जस्ट द इश्यूएंस ऑफ पॉलिसी, दे हैव अ डेडिकेटेड क्लेम डिपार्टमेंट। अगर खुदा ना खास्ता उस साल आपको गाड़ी का अपना इंश्योरेंस क्लेम करना पड़े, तो उनकी क्लेम डिपार्टमेंट आपको उस चीज में सपोर्ट करती है, प्लस प्रोसेस को एकदम स्मूथ बनाती है। और एक्चुअली हम इंश्योरेंस लेते भी इसलिए हैं यार कि अगर गाड़ी में कोई भी एक्सीडेंट हो, कोई भी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन में अगर मेरे को क्लेम लेने की नौबत आए तो मेरे को प्रॉपर सपोर्ट मिले, क्योंकि जब जरूरत है तब कोई हेल्प करे ना, वो सच्चा साथी होता है। सो पॉलिसी बाजार का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगर आपका गाड़ी का इंश्योरेंस ड्यू है रिन्यूअल के लिए, या फिर आपको नया इंश्योरेंस लेना है, तो गो चेक इट आउट एंड गेट द बेस्ट डील फॉर योर मोटर इंश्योरेंस। सो ये छोटी सी दुकान, यहाँ पे अपना काम हो जाना चाहिए, या ये साइबर कैफे, फोटो स्टूडियो, ये सामने ये वाला यहाँ पे हो जाएगा जी। सो ये जो दुकान थी वो कोविड के दौरान इन्होंने बंद ही कर दी, अब बोर्ड लगा हुआ है लेकिन दुकान नहीं है। तो अब अंदर मार्केट में जाएंगे और वहाँ पे देखेंगे। तो आधार कार्ड और बाकी सारी चीज़ें भी ले चलते हैं, बिकॉज यहाँ पे अपने को जेरोक्स भी मिल जाएगा और फोटो वाला काम भी हो जाएगा। क्या हो गया भाई? अरे गाड़ी ऑफ ही नहीं किया। अरे क्या हो रहा है भाई आज मेरे साथ? देखो फोन छोड़ दिया। भाई फोटो वाला दुकान किधर है? यहाँ हो जाएगा जी, फोटो खिंच जाएगा। गजब गर्मी है ना, भयंकर गर्मी। तो जी फोटो खिंच गया अपना, अब फोटो का प्रिंट आउट लेना है। सो जी 5-5 कॉपी यहाँ पे जेरोक्स करा रहे हैं, साथ में कोल्ड कॉफ़ी भी बोल दिया है, तो कोल्ड कॉफ़ी भी लेते हैं। तक जेरोक्स होता है, फिर कोल्ड कॉफ़ी लेके गाड़ी में बैठते हैं। हाँ आपका भी ऐड कर दूँ?
ऐड हो गया। तो जी ये बना लिया हमने पोथी पत्रा, ज़ेरॉक्स वेरॉक्स और कॉफी एंजॉय कर रहे हैं। अब एक काम और करना है, मुझे रियलाइज हुआ कल मैं बेलेनो लेके गया था और बेलेनो की आरसी ना मेरे वॉलेट में थी, तो स्वाति के पास उसको याद होगा नहीं, तो आरसी उसको वापस कर देते। प्लस उसको मैंने जो कोविड का वैक्सीनेशन लगवाया था ना, तो उसका अपना जो फर्स्ट वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट है वो मेल किया है, सो दैट शी कैन टेक ए प्रिंट आउट ऑफ इट और उसी में अटैच कर देंगे, बिकॉज जहां तक मुझे पता चल रहा है कि JNK में मुझे वो वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट मांगेंगे। और मैं ये भी प्लान कर रहा हूँ कि लद्दाख में जब हम लेह पहुंच जाएंगे तो एक 10-12 मिनट का वीडियो मैं शूट करके अपलोड करूं, जहां पे जो भी रास्ते में मुझे जहां भी चेकिंग हुई, जहां भी मुझे टेस्ट मांगा गया, जहां भी टेस्ट मेरा किया गया, रैपिड टेस्ट किया गया, या फिर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगे, क्या क्या प्रॉब्लम हुई, या कुछ भी उससे रिलेटेड ना, हाँ वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे पाऊं, ताकि अगर आप जुलाई में लद्दाख प्लान कर रहे हो या जून में लद्दाख प्लान कर रहे हो तो वो वीडियो से आपको पता चल जाए कि एग्जैक्टली क्या ले जाना है क्या नहीं ले जाना है। क्योंकि ये पूरा लद्दाख सीरीज तो जब मैं 27-28 तारीख को जून में आऊंगा उसके बाद से पब्लिश होना स्टार्ट होगा, तो वीडियो जो इन्फॉर्मेशन वाला है ना, मतलब ये जो पासेस से रिलेटेड और परमिट से रिलेटेड है ना, अगर वो पहले आ जाएगा तो बहुत सारे लोगों को उससे हेल्प हो जाएगी, तो वो मैं प्लान कर रहा हूँ। लेट्स सी वहाँ पे टाइम कितना मिलता है, क्योंकि यार एडिटिंग करना और अपलोड करना, नेटवर्क कैसा रहता है, बहुत सारी चीजें पे डिपेंडेंट होता है। फिलहाल अपन जा रहे हैं स्वाति के ऑफिस। तुम्हें पता तुम्हारी गाड़ी का आरसी कहाँ है? हमारे पास है। हाँ। अदरवाइज हाय ना, कोविड वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट का प्रिंट आउट जो लेना था वो भी ले लिया, आरसी भी वापस कर दी और अब रिटर्न हो रहे हैं घर को। और भाई एक और चीज, आपने वेकेशन क्लब का नंबर जो मैंने वीडियो में दिया था, आपने इतना फोन किया कि मुझे परमिट दिलवा दो, तो यार वो परमिट नहीं दिलवाते, वो परमिट मतलब वो पूरा पैकेज बनाया, सिर्फ परमिट के लिए नहीं कांटेक्ट किया था मैंने उनको पूरा पैकेज बुक किया था। तो यार इतना बॉदर मत करो यार उनको, सिर्फ परमिट्स के लिए। मोटू इदला, तू मोटू है, तू जो छोटू है ना, चल एसी में बैठी है आराम से और दरवाजा भी खोल दिया है, तेरे को पता कैसे चल जाता है कि मैं बाहर जाने वाला हूँ? हाँ, और हमेशा गेट पे आके ना ऐसे पॉपी फेस बना लेती है। स्कूबी तू नहीं जा सकती है ना बाहर? हाँ नहीं जा सकती है ना, और ये इतनी क्यूट है ना। सो जी इट्स इवनिंग 5:30 और अपन निकले हैं, कहाँ निकले हैं पता नहीं, कहाँ निकले हैं बट बस निकल गए। अरे कहाँ रहेगी? मैंने राखी को बोला था कि मेरे को ना पेन ड्राइव में गाने भर के दे देना, क्योंकि मेरा जो पेन ड्राइव है ना मैंने उसको फॉर्मेट कर दिया था, तो मेरे पास गाने नहीं है, मोबाइल में जो ऑफलाइन गाने हैं वही है, ऑनलाइन पता नहीं कितना नेटवर्क आएगा कितना नहीं आएगा, तो गाने लेना इम्पोर्टेंट है। एंड आई एम डेड श्योर कि तू पेन ड्राइव लेके आई नहीं होगी, मैंने बोला तो था गाने वाला पेन ड्राइव भर लाना, देखो कितनी लॉस्ट है यार। अरे ला फोन ही दे दे यार, इसको बेच के मैं पेन ड्राइव खरीद लूंगा। तू तो कितना ज्यादा कॉन्शियस है ना। तो भाई डीजल फुल करा रहे हैं, क्योंकि कहाँ हुआ कितना हुआ हो ही जा रहा है यार, 5,000 से ऊपर चला गया, तो क्योंकि अपन कल निकलेंगे। हो गया क्या भैया? एक बार पूछता ना कितना है भैया, कितने लीटर आया, कितने लीटर है एक बार दिखाना हटा के। 70 लीटर। 70 लीटर का तो इसका टैंक होता है, 70 लीटर का टैंक है तो, आप बताओ एक बार दिखाओ कितना आया। लिमिट से ज़्यादा कभी भी 2-4-5 लीटर आता है। सो ये 70 लीटर का टैंक है, आप कह रहे हो कि गाड़ी में डीजल, मैं 100 किलोमीटर गाड़ी चल सकती है, या तो आपका फिर मीटर खराब होगा। मीटर बिल्कुल चेक कर सकते हैं सर, मीटर के हम गारंटी है, अगर कोई 19-20 होगा उसका। बट 70 लीटर का टैंक है भैया इसका, ज्यादा क्या है सर इसका? अरे भैया मैं कह रहा हूँ 70 लीटर का है, आपका सामने ही तो डाला हूँ मैं, 70 लीटर का टैंक है, मैं XUV के आपके इसमें दिखा दूंगा महिंद्रा में। ठीक है सर, आपको करना भी, आप कहिए तो मैं मशीन टेस्ट करा सकता। एक बार टेस्ट करा दो 1 लीटर के इसमें बॉटल में, और फिर उसको, हाँ ठीक है एक बार टेस्ट करा दो। 6,000 रूपए पहली बार आया, अदरवाइज 5,000 रूपए के आसपास रहता था इतना। चलो डीजल महंगा हुआ है लेकिन प्रॉब्लम 6,000 रूपए से नहीं है, प्रॉब्लम ये है मेरी गाड़ी का टैंक ना 70 लीटर का है,
और मेरी गाड़ी में ना जो इंफोटेनमेंट सिस्टम पे आ रहा था कि 80 किलोमीटर गाड़ी चल सकती थी, उसके बाद इतना कैसे आया 80 किलोमीटर और 12 का माइलेज? लीटर की कैपेसिटी है ना गाड़ी की, अच्छा एक बार कर दो जस्ट और माई साइड, मेरी गाड़ी ना दोनों गाड़ी इधर ही आती है पेट्रोल। हाँ हाँ ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। हाँ ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसा मेरे जैसे ना किसी और को भी डाउट होगा तो उसको ही पता चल जाएगा। हाँ जीरो हो गया एग्जैक्ट 5 लीटर। ये होता है ऐसे निशान इसके। हाँ ठीक है, परफेक्ट। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सो दिस इज़ वेरी सरप्राइजिंग कि गाड़ी का टैंक मेरा 70 लीटर का है और मेरे को लगा कि 70 लीटर में एग्जैक्टली ऊपर तक कैसे भर सकता है जबकि गाड़ी में ऑलरेडी डीजल था। बट आई बिलीव के जो डीजल रहता है और जो टैंक रहता है उससे ज्यादा आता है डीजल इस गाड़ी में। आई डोंट नो अबाउट अदर कार्स बट इस गाड़ी में तो डेफिनेटली ये एक्सपीरियंस है। और ये पहली बार मेरी गाड़ी में 6,000 रुपए का डीजल आया। मतलब डीजल महंगा हो रहा है वो चीज ठीक है, बट 69.4 लीटर्स का मतलब है कि गाड़ी पूरी पूरी खाली है। चलो एक बार चेक करा लिया बिकॉज दिस वॉज इम्पोर्टेंट यार। और आप भी कभी ऐसा हो तो चेक करा लिया करो, जस्ट आस्क फॉर इट। इफ यू डोंट आस्क फॉर इट यू विल नेवर गेट इट। मतलब अगर सेटिस्फैक्शन इंपॉर्टेंट है बॉस, अगर सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा है किसी चीज से तो वो पूछ लो बिकॉज अल्टीमेटली यू आर द कंज्यूमर। और अगर आप नहीं पूछोगे तो फिर अगर कहीं गलत हो रहा होगा तो वो गलत होता रहेगा आपके साथ और बाकी सबके साथ, समझी? ये वाली जो फीलिंग है ना ट्रिप ए और बी जीरो करने की और हवा चेक कराने की, भाई साहब कतई जहर है। अब ना लोग कहते हैं कि राखी व्लॉग में नहीं आती, वो व्लॉग में आना ही नहीं चाहती है भाई, वो हाथ पकड़ रही है मेरा। दिस मार्केट और मुझे बहुत तेज भूख लगी थी, दोपहर में मैंने खाना नहीं खा पाया था, सो जस्ट ऑर्डर्ड ये डोसा। अब यहाँ पे बैठ के क्या ही खड़ा होके खाना पड़ेगा, बट डोसा देख के ना एक्चुअली मुझे साउथ इंडियन इतना ज़्यादा पसंद है ना कि डोसा ऑर्डर किया। राखी अभी पता नहीं किसी मेडिकल शॉप पे गई, उसको कुछ काम है वहाँ पे, और मैं सोच रहा हूँ कि जाते से पहले यहाँ से समोसे ले लूँ। जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं एक्चुअल पैकिंग। मतलब अभी तक तो ना सारा सामान घर पे लाके रख रहे थे, अब स्टार्ट होगी एक्चुअल पैकिंग। तो अभी शाम भैया आए क्योंकि गाड़ी में एक छोटा सा इशू फेस कर रहे हैं और वो इशू आई वॉन्ट टू गेट इट रिजॉल्व। अभी आओ भैया बैठो, क्योंकि अपन को नहीं चाहिए कि लद्दाख में वो इशू फेस हो। तो सस्पेंशन से हल्की सी आवाज आ रही है, आवाज आ रही है ना, कटकट आ रही है ना, ये देखो कटकट हाँ आ रही है ना। अच्छा आपने फर्स्ट गियर पे रखा हुआ है, हाँ दो नंबर पे, और गाड़ी तो एक्चुअली दो नंबर पे है। और आरपीएम भी देखो, स्पीडोमीटर, गाड़ी 30 का स्पीड दिखा रही है। सही है, ये भी टेक्निक सही है भैया, बस जैक ना उतार नहीं तो सीधे आगे। सो जी अब सिचुएशन ये है, कल निकलना है हमें लद्दाख और कल जाएगी ये गाड़ी अपने कुछ काम के लिए। अब उसमें कितना टाइम लगता है, क्या होता है वो अभी नहीं पता। जब कल गाड़ी लिफ्ट पे लगेगी तब नीचे का पता चलेगा, क्योंकि अभी अंधेरा भी हो गया, एक जैक से उतना दिख नहीं रहा है। तो मिला जुला के ना भाई उड़ता तीर आ रहा है और ज़बरदस्त आ रहा है। तो चलो इस ब्लॉग को करते यहीं पे ख़त्म, मिलते हैं आपसे कल के ब्लॉग में। होपफुली एडिट करके जाने से पहले अपलोड कर दूंगा, बाकी जो भी होगा आपको पता चलता रहेगा। मिलते हैं कल के व्लॉग में, टिल देन पीस।